नमस्कार जोहार। कार्यक्रम युव दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के युव दर्शन अंक में हम रांची के अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर में 9 और 10 मार्च 22 को आयोजित रोजगार मेला के बारे में टीवी रिपोर्ट के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। इस रोजगार मेला का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से किया गया। समाज में दिव्यांगता आज भी एक अभिशाप माना जाता है। योग्यता होने के बावजूद भी कई बार रोजगार के अवसर काफी नहीं होते हैं। ऐसे में इस तरह का रोजगार मेला इनके लिए एक बड़ा अवसर है। बेसिकली हम लोग को आइकॉनिक वीक मनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आइकॉनिक वीक 7 से लेकर 13 मार्च तक रखा गया था। आइकॉनिक वीक चल रहा है हमारा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ भी सेंटर हमारा है, 23 सेंटर हमारा ऑल ओवर इंडिया में है। तो रांची के लिए हम लोग ने चूज किया था, 9 मार्च को स्टार्ट किया था कि 9 मार्च को हम लोग यहाँ पर आइकॉनिक वीक मनाएंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर। तो हम लोग ने प्लान किया कि जॉब फेयर लगाया जाए। हमने देखा है कि जॉब फेयर तो नॉर्मल लोग के लिए ऑलवेज लग जाता है, लेकिन जो दिव्यांगजन हमारे समाज के ग्रास रूट लेबर वर्कर हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं जा पाता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि किसको इसमें कंपनीज को बुलाया जाए। तो दो तीन कंपनी से हमने 10-12 कंपनी से बात किया, 15 कंपनी से बात किया, बहुत कम कंपनियाँ ने एक्सेप्ट किया कि हमें डिसेबल बच्चों को हमें चाहिए। तो एक जैसे रिलायंस है, उसको उनसे हमने बात करने की कोशिश किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें डिसेबल बच्चे चाहिए। यूथ फॉर जॉब है, उनसे बात की तो उन्होंने कहा डिसेबल बच्चे चाहिए हमें। तो हमने कम से कम कल 1,000-1,500 SMS भिजवाया दिव्यांग बच्चों को कि आपके लिए जॉब फैसिलिटी हमारे पास है और ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सेंटर में आइए, हम आपका फॉर्म भरेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आप केवल आके अपना इंटरव्यू दीजिए। और इनकी पोस्टिंग जहाँ भी हो झारखंड से, मतलब झारखंड लेवल में हो सके रांची हो तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप रांची में इन बच्चों को पोस्टिंग कीजिए ताकि हम इसको मॉनिटरिंग कर सकें। मन की शक्ति तन की शक्ति से कहीं बढ़कर है। आइए मिलते हैं दिव्यांगता को चुनौती देती एक छात्रा से। मेरा नाम सरोज बरला है, मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ भर्ती कैंप में आई थी और मैं फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं यूथ फॉर जॉब और ये रिलायंस कंपनी में इंटरव्यू दी। इंटरव्यू में बोला गया आपके लिए जॉब है 8,000 मंथली। युवा वर्ग की सहभागिता इस तरह के रोजगार मेला की प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। अमन कुमार देवघर जिला से यहाँ पर आया हूँ रांची में। सर आजकल के भागती जिंदगी दौड़ में सर देख रहे हैं कि सर सरकारी कंपटीशन कितनी टफ हो गई है कि सर उसमें एग्ज़ाम फर्स्ट फेस करना है, फर्स्ट एग्ज़ाम है, सेकंड एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उसके बाद किस सर आपका सिलेक्शन या फिर कोई चीज़ का होता है सर। और ये सर जो ये रोजगार मेला लगा हुआ है सर इस रांची कैंपस में, इसमें सर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी मौका दे रही है कि सर डायरेक्ट सर आपका इंटरव्यू होगा और किस कंपनी में जाएगी वो कंपनी का आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। वैश्विक आपदा कोविड ने रोजगार के अवसरों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह का आयोजन युवाओं को स्वस्थ गति प्रदान करता है और साथ ही उन्हें वो जानकारियां भी मिलती हैं जो उनके लिए जरूरी है। रोजगार अभी कोविड काल में चूंकि ज़्यादा भीड़ हम लोग नहीं एकत्र कर पाते थे, तो अब थोड़ी सी छूट मिली है तो
जो बच्चे बाहर से, बहुत से बच्चे जो काम छोड़ करके आए हुए हैं उनको भी प्राथमिकता है। पेपर में हम लोगों ने उसके लिए एड भी दिया हुआ है। जो बच्चे अभी, बहुत से बच्चे अभी भी देखे होंगे जो बाहर फ्रेश बच्चे आए हुए हैं, उनका हम निबंधन भी कर रहे हैं। जो काउंटर पर मेरा निबंधन का कार्य भी चल रहा है, जो निबंधित पहले से हैं उनको निबंधन की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बच्चे, चूँकि निबंधित होने के बाद हम उनका सारा डाटा हमारे पास होता है, वो जिस योग्यता को रखते हैं उसके अनुसार जो भी रिक्तियां निजी क्षेत्रों की हमारे पास आती हैं उसके विरुद्ध हम कोशिश करते हैं। कुछ तो रिक्तियां जो मेरे पास आती हैं उसके विरुद्ध में हम 1:20 के अनुपात में नाम देते हैं उनको सीधे कि आप उसमें से एक सिलेक्शन करें जो उसके बाद हमको भेज दें। तो सरकारी क्षेत्रों की कंपनियाँ का अपना जो रूल्स है, जैसे बैंक का आता है, गार्ड का आता है, अभी भी हम लोगों ने उसमें नाम भेजा है, उसमें से हमारे उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वो ग्रुप डी तक ही सीमित है, क्योंकि क्लास थ्री के लिए और जो है उसके लिए JPSC है और JSSC है, जो परीक्षाएँ वो आयोजित करते हैं उनके माध्यम से बच्चे जाते हैं। उन बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ बजाबते पुस्तकालय है, उनको हम लैब की सुविधा प्रदान करते हैं, उनके कैरियर गाइडेंस के लिए भी हम सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे पदाधिकारी हैं बाहर से भी, हमारे जो CGC में जो क्लास लेते हैं उनसे भी हमने आज आग्रह किया है कि भाई आप जब उन बच्चों के लिए, वो चूँकि SC ST के लिए ही काम करते हैं स्पेशली, तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको कुछ, आज जो बच्चे आ रहे हैं उनको करियर गाइडेंस दें, ताकि जो बच्चे मान लीजिए कि सब तो नौकरी में नहीं जा पाएंगे, कुछ बाहर की कंपनियाँ हैं, कुछ रांची की हैं, तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, जिनको आवश्यकता है, वो तो नौकरी में जाएंगे ही। योग्यता ही वो मापदंड है जिस पर आपको परखा जाता है, और ये योग्यता बेहतर हो सके इस हेतु सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। जरूरत इस बात की होती है कि हम भी इन मौकों का लाभ उठाएं और अपनी जागरूकता बढ़ाएं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग को पिछले 4 वर्षों से वी एज अ सर्विस प्रोवाइडर, करियर फाउंडेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ, पिछले 4 वर्षों से STSC बच्चों को ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट ऑफ दिस, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी ये ऑफिसेज हैं, नेशनल करियर सर्विस सेंटर या फिर एम्प्लॉयमेंट रोजगार नियोजन कार्यालय जो भी, इनके द्वारा जनरल बच्चों को भी बहुत सारा असिस्टेंस दिया जाता है जो STSC से बिलोंग नहीं भी करते। आप लोगों को पता होगा कि जिस ऑफिस में अभी आप लोग बैठे हुए, यहाँ पे आपकी रोजगार से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको असिस्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। रोजगार निबंधन कार्यालय की सक्रियता इस तरह के कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित कर देती है। हम एक ब्रिज का काम करते हैं, जो छात्रों, जो बेरोजगार छात्र हैं और जो नियोजक हैं। नियोजक का फ़ायदा उसमें होता है कि उनको डिफरेंट टाइप के बच्चे आ जाते हैं, और सरकार उनके लिए, सरकार की भी गारंटी होती है कि नियोजक हमारे ठीक ठाक हैं, जो हम उनको देख लेते हैं, उनका सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास होता है। तो नियोजक भी उन लोगों के साथ किसी तरह का शोषण या किसी तरह का व्यवहार गलत करते हैं तो श्रम कानून के तहत हम उन पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, और श्रम कानून के आधार पर उन पर हम कार्रवाई भी करते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती रुचि सामान्य युवाओं के साथ साथ दिव्यांग युवाओं के लिए भी रोजगार के नए दरवाजे खोल रही है। मेरा नाम अर्चना भारती है, मैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड से आई हूँ, और मैं आज इस जॉब फेयर में 15 वैकेंसीज लेके आई हूँ, जो कि मोस्टली जनरली फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स लोगों के लिए है, क्योंकि रिलायंस का ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटीज़ सभी को मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि 45 अभी हमारे प्रेजेंट में झारखंड के अंदर 45 फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन अभी हमारे स्टोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, और उनको ऑब्जर्व करके हम लोगों ने ये पाया कि बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। इसी बेसिस पे हम लोगों ने ये आज रिक्रूटमेंट 15 वैकेंसीज हम लोग लेके आए हैं।
नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर एससी एंड एसटी संस्थान एससी और एसटी समुदाय के युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं सालों भर चलाती है। तो अभी तक हमने 50 प्लस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर लिया है एससी एसटी बच्चों का, जो कि जॉब के लिए है, जिसमें मैट्रिक पास से लेकर के इंटर, बीए, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, इंजीनियरिंग पास, सभी तरह के बच्चे हैं। सबों के रोजगार के लिए हमने कंपनियों को बुलाया है, अभी इंटरव्यू चल रहा है और शाम तक जो है हमारा कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ वो हमको मिल जाएगा। तक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अरेंज किए हैं, जो कि एस सी एस टी बच्चों के लिए। एस एस सी का तैयारी, अभी जो वैकेंसी आई हुई है सी एच एल का, सी एच एल लेवल का, उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं। और उसके बाद हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, कल हमने कराया था 65 बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, वो हमारे सेंटर पे आईटीआई कैंपस में, जो हमारा ऑफिस है उसी कैंपस में हमने कराया था। उसमें हम लोग 10 महानुभावों को बुलाए थे और हर एक अलग अलग फील्ड से, जिस प्रकार से सीआरसी से थे, नाइलेट से थे, आपका सीपेट से थे, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत सरकार का है, प्राइवेट भी कंपनियां है, उत्कृष्ट लोगों को हमने बुलाया था ताकि अधिक से अधिक बच्चों को बीच में हमारा मैसेज जा सके। आइए अब आपको मिलवाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त एक युवक से, जिसकी आंखों में नौकरी के सपने हैं। मेरा नाम सनी नायक है, मैं यहाँ जॉब फेयर पे आया हुआ हूँ जॉब के लिए। मैंने यहाँ 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। मेरा मोबाइल में जॉब फेयर का जो भी आता है, जॉब मेला, उसका नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, जिसके मतलब थ्रू मैं यहाँ आया हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है अभी पीजी इकोनॉमिक्स, जॉब के लिए आया हूँ। देखते हैं, अभी सर इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं है, मेरा इंटरव्यू होता है तो मुझे आशा है कि इंटरव्यू होने के बाद मुझे जो है पक्की हो जाना चाहिए। एक देश का स्वस्थ विकास तभी संभव है जब उसकी आबादी का हर हिस्सा अपनी सहभागिता दे। सीआरसी भी अपने इस काम को सक्रियता से निभा रही है। हम लोग दिव्यांगता पुनर्वास का काम करते हैं, एक बड़ा पॉपुलेशन दिव्यांगों का है, उनको पुनर्वासित किया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के इस केंद्र की स्थापना हुई है। जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, तो सामान्यतः जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ढेर सारी संख्या दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की है, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, और उस आर्थिक पिछड़ेपन के कारण समाज में उनका समायोजन थोड़ा सा कठिन है, परिवार में समायोजन कठिन है। अपवाद हो सकता है, लेकिन एक जो बड़ा पॉपुलेशन हो ऐसे ही है। ऐसे में जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आर्थिक रूप से पुनर्वासित किया जा सके, इन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग आज का जो आयोजन है इसका मन बनाया। NCSC फॉर दिव्यांगजन के पास भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ युवा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी दिव्यांग बच्चे आते हैं उनके लिए एजुकेशन मायने नहीं रखता है। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, आपका क्वालिफिकेशन है, नहीं क्वालिफिकेशन है, जिस दिन से आप आएंगे उस दिन से हम लोग ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग 2500 रुपया स्टाइपेंड भी देते हैं। ये झारखंड, पूरे झारखंड के लिए है। और हम सबसे खुशी की बात है कि हम लोग के मतलब इंस्टीट्यूट में कोई डेट फिक्स नहीं है, आप किस दिन आप आ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे किसी दिन में आएगा उसी दिन से आपका एक साल का ट्रेनिंग चलेगा। वो ट्रेनिंग 2500 रुपया हम लोग पर मंथ स्टाइपेंड रूप में देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका मेन स्ट्रीम में आए और अपना कौशल विकास करें, हम लोग स्किल ट्रेनिंग का काम करते हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवक से जिसके चेहरे पर आप नौकरी पाने की खुशी देख सकते हैं। नाम है MD गुफरान खान, कांके से आए हैं। सुबह में आए थे तो एक फॉर्म मिला था, फॉर्म भर दिए थे, फिर हॉल में गए, वहाँ पर बातचीत हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू में पास हो गए हैं सर। फिर जॉब के लिए रिलायंस में जॉब करना है सर, रांची में चाहते हैं जॉब के लिए, रांची में चाहते हैं। परंपरागत रोजगार के अलावा भी आज रोजगार के कई नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं। मेरा नाम है राकेश मुंदलिया और मैं रेल फास्ट कंपनी की तरफ से आया हूँ। आज हमारे पास क्लाइंट है वो जैसे कि फ्लिपकार्ट है, TVS कंपनी है, और उसके बाद याजा की है।
तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी कंपनियां है जो कि जिसको कि मैन पावर की ज़रूरत है और हम लोग उनको मैन पावर की प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो जॉब है ना वो क्वालिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10th का कैंडिडेट आ रहे हैं, हमको जॉब चाहिए, तो हम क्या करते हैं उनको आज ट्रेनिंग के हिसाब से हायर करते हैं। अगर कोई प्लस टू का या 12th का बच्चा कोई भी आता है, 12th का कैंडिडेट कोई भी आता है, हम लोग उनको आज सुपरवाइजर नहीं तो आज शिफ्ट इंचार्ज के हिसाब से हम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। आज और उसके बाद कोई ITI या टेक्निकल डिप्लोमा या ITI करके कोई आ रहा है, कोई भी कैंडिडेट अगर आ रहा है तो हम लोग उसको आज ऑपरेटर के हिसाब से या आज मैकेनिक के हिसाब से हम लोग उसको हायर कर रहे हैं। करियर गाइडेंस की मदद से एक युवा रोजगार के क्षेत्र में सही निर्णय ले सकता है। हम लोग करियर टॉक प्रोग्राम अरेंज करते हैं। बच्चे लोग ग्रेजुएशन करके, इंटर करके, मैट्रिक करके, BA करके, MA करके, ITI करके, BTEC करके, ये पता नहीं चाहता है कि हमारा वैकेंसी कहाँ, हमारा जॉब कहाँ है, हम क्या करें, इसके आगे मैं क्या करूँ। तो उसके लिए हम लोग करियर टॉक का अरेंज करते हैं, तो हम अपना सेंटर में करते हैं, बाहर में भी हम लोग करते हैं। अभी पिछले सप्ताह हमने SSC को बुलाया था, SSC कोलकाता को हमने बुलाया था, उनके द्वारा हमने करियर टॉक कराया था, बच्चे लोगों के बीच में ले जा करके नाइलेट में कराया था। और ये एक हमारा कोचिंग चलता है, स्पेशल कोचिंग स्कीम, वो करियर पावर नाम करके रांची में सेंटर है, वहाँ हमने ले जा करके SSC के ऑफिसर से जॉइंट डायरेक्टर आए हुए थे, उनके द्वारा हमने जो है बच्चे लोगों के बीच में CBP प्रोग्राम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम और करियर टॉक प्रोग्राम का अरेंज किया था। और इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग बराबर करते रहते हैं। आधी आबादी की भूमिका रोजगार मेले में उत्साहपूर्ण रही। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक छात्रा से। मेरा नाम संतोषी सुहासी है, मैं बिरगांव से आई हूँ। मैं जॉब के लिए आई हूँ और मेरे को जॉब मिलना चाहिए और मैं जॉब करना चाहती हूँ। और मेरा 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और मेरा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। भले ही आज आप किसी छोटे रोजगार में हो, लेकिन आपकी योग्यता आपको सफलता के ऊँचे मुकाम तक पहुँचा सकती है। जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो बहुत ऊंचे पदों तक वो पहुंच जाते हैं। उनका जो ये रहता है अपना, यदि उनकी क्वालिटी है तो अपनी क्वालिटी के आधार पर वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा उन्नति पाते हैं। बहुत सारे जगहों पर देखने को मिला है कि बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके, एक बच्चे का मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि एक बच्चा, जब मैं चाईबासा में पोस्टिंग थी हमारी, तो वो बच्चा रोज़ जंगल से लकड़ी काट के लाता था, जो 100 से 150 रुपये के बीच में उसकी लकड़ी बिकती थी। और माह का अगर उसको 4500 रुपये में उसको किसी कहीं पे नौकरी जब मिल जाती है तो उसके खुशी का अंदाज़ा उसके आप लगा सकते हैं। युवाओं की जागरूकता और सहभागिता से इस तरह के आयोजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। हमारे पास जो आते हैं ऐसे बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो चैलेंज्ड हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि जॉब विभिन्न माध्यमों से संपर्क करके जल्दी से जल्दी दिलवाएं। इस तरह का आयोजन चूँकि रोज़ रोज़ हम लोग नहीं कर सकते, तो ऐसे में ये डिपेंड करता है कि इस तरह का आयोजन कब हो, जब हमारे पास एक अच्छी संख्या रजिस्टर्ड हो जाती है। जो हमारे पास आते हैं उनका बकायदे हम असेसमेंट के बाद अपने यहाँ पंजीयन करते हैं, और पंजीयन करने के बाद हम एक साथ मीटिंग करके देखते हैं कि ठीक ठाक संख्या है और कंपनियों को हम यहाँ ऑफर कर सकते हैं, कंपनियाँ आकर के इनको प्लेसमेंट दे सकती हैं, तो ऐसा करते हैं। सरकार अपने स्तर पर हर वो प्रयास कर रही है जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके तथा उनकी योग्यता में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। DG सक्षम के तहत हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत DG सक्षम के तहत ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, जो कि 3 महीने का कोर्स होता है। इसमें किसी प्रकार का फी नहीं है, ये बच्चे कहीं से अपना कोर्स कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद वो जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ट्रेनिंग कराती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU हुआ है, उसके तहत जो है ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है। 3 महीने का कोर्स है, उसमें 5 मॉड्यूल है। प्रत्येक मॉड्यूल जैसे आपका एक्सेल हो गया, जावा हो गया, एग्योर हो गया,
तो ये जो जो ट्रेनिंग कर ले रहा है उसको सर्टिफिकेट जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रदान करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फी नहीं है। उसके बाद हम लोग टीसीएस आयोन के तरफ के तहत सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि SC ST बच्चों को हम लोग फ्री कराते हैं। और ये CSR योजना के तहत जो ट्रेनिंग होता है तो TCS जो है हमारे यहाँ से कोई फी क्लेम नहीं करता है, क्योंकि ये योजना CSIR के तहत होता है। तो इस प्रकार से कोर्स हम लोग जो है SC ST बच्चों को बराबर कराते रहते हैं। नया चीज़ अप्लाई किया, जितने भी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, 3 एक्सचेंज है, बोकारो, रांची और जमशेदपुर, वहाँ पर हमारी टीम और मैं खुद महीने में 4 बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आता हूँ। और सभी एक दिन दो दिन पहले सभी बच्चों को SMS जाता है कि आपके लिए कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस क्लास यहाँ होगी। नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर पोर्टल है जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। डीजी सक्षम करके एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक्सेल वगैरह का माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारा टाइप हुआ है। वो हम लोग बच्चों को, किसी बच्चों को 15 दिन, किसी बच्चों को 20 दिन, 1-3 महीना का ऑनलाइन क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। अब आगे के लिए और नियुक्ति पोर्टल भी मेरा तैयार हो रहा है, जो हमको लगता है कि निकट भविष्य में वो भी काम करना शुरू करेगा, जिसमें कि जो भी रिक्तियां हम नियोजक से प्राप्त करेंगे वो ऑनलाइन ही उस पर पोस्ट कर देंगे। ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद जो जो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो उस लिंक जो उनको मिलेगा वो लिंक को शेयर करेंगे, उसके अमंगस्ट उनका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। आज के युव दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ। नमस्कार, जोहार।